वेलकम टू अद्दू एंड मामा। आज का हमारा रेसिपी है कटोरी चाट। ये बहुत ही टेम्पटिंग है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं कटोरी चाट। हम सबसे पहले मैदे का आटा बनाएंगे। मैदे को छानकर उसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल मिलाकर इसका आटा बनाएंगे। पानी डालकर इसे हम 1 घंटे के लिए ढककर रखेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसके ऐसे गोलियां बनाएंगे। फिर इसे रोटी की तरह बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। और एक कटोरी के साइड में तेल लगाकर उसे हम ऐसे कवर करेंगे इस रोटी से, और ऊपर जो एक्स्ट्रा पीस बचेगा हम उसे चाकू से काट कर निकाल सकते हैं। फिर हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा गरम होते ही ये कटोरी अपने आप बाहर निकलने लगेगी। देखिए बिल्कुल कटोरी की तरह बन गया है। आप कोई भी साइज का कटोरी ले सकते हैं। फिर हम इसे ऐसे दूसरी साइड से पकाएंगे। फिर हम इसे ऐसे उठाकर निकालेंगे और उल्टा रखेंगे ताकि इसकी तेल निकल जाए। और ऐसे ही हमने सारी कटोरियाँ रेडी की है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इसे डिब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और हमने लिया है यहाँ पर उबला हुआ आलू। इसमें मैंने नमक मिलाया है। हरी चटनी, खजूर इमली की चटनी, सेव और ये स्प्राउट्स, कोई भी स्प्राउट्स ले सकते हैं, टमाटर, प्याज और ये है कच्ची कैरी का बारीक कटा हुआ पीस। और मैंने दही में शक्कर मिलाया है, चीनी। आपको नहीं पसंद है मीठा तो आप चीनी अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और काला नमक। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये उबले हुए आलू और ये जो स्प्राउट्स और टमाटर, प्याज और कच्ची कैरी है उसे मिक्स करेंगे और ये मसाले उसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें ये मिक्सचर डालेंगे आलू, प्याज, टमाटर और स्प्राउट्स के। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही अच्छी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, और मीठी चटनी, बारीक सेव, थोड़े से अनार के दाने, भुना हुआ जीरा पाउडर,
और चाट मसाला।